नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आज मैं आपसे बात करने आई हूँ कुछ ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। इसका ऑलरेडी एक पार्ट वन मैं रिलीज कर चुकी हूँ। मैं कौन हूँ? मेरा नाम है ईना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। मैं आपकी ऐसी ऐसी दोस्त हूँ जो आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाना चाहती है, पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहती है। 35,000 बच्चों को मैंने ट्रेन करा है और 35,000 बच्चों को मैंने वेल प्लेस भी किया है। साथ ही साथ मैंने 6 से 8 हज़ार पुलिस पर्सनल्स और साथ ही साथ कॉर्पोरेट पर्सनल कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज को भी ट्रेन करा है और उनको अच्छी बेहतरीन एक माइंडसेट दिया है, उनको ग्रोथ माइंडसेट दिया है और उनके लिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग भी करवाई है। तो आज मैं आपके साथ आ गई हूँ यहाँ पर ग्रोथ माइंडसेट के बारे में बात करने के लिए। तो ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, कैसे बनाएं ग्रोथ माइंडसेट, क्या क्या चीजें असेंशियल है, ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको देने वाली हूँ। तो बने रहिए आगे तक मेरे साथ इस वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपना ग्रोथ माइंडसेट बेटर बनाते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला पॉइंट इज बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट यू हैव। एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था ब्रेन टानो, और उन्होंने उन्होंने इस बात को, मतलब एक है तो ये हिंदी की एक लाइन, बट इसी लाइन को उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी स्टडी में कहा था कि जो मिल गया वो मिट्टी और जो ना मिला वो सोना। तो हम हमेशा उन्हीं बातों के लिए रिग्रेट करते रहते हैं जो चीजें हमारे पास है ही नहीं। तो उन चीजों के बारे में अफसोस करना छोड़िए और एक बार अपनी लाइफ में उन चीजों की लिस्ट बना के देखिए कि कितनी चीजें हैं आपके पास। मुझे लगता है पूरी डायरी भर जाएगी जब आप ये चीजें लिखेंगे कि आपके जीवन में कितनी अच्छी चीजें हैं। सो अ ग्रेटिट्यूड माइंडसेट मीन्स अ लोअर लेवल ऑफ एनवी, एंजाइटी एंड डिप्रेशन एज वेल एज इंक्रीज्ड ऑप्टिमिज्म एंड वेलबींग। भाई जब भी आप ऐसा फील करते हैं कि भाई आपका एक ग्रोथ माइंडसेट है, तो ना ही आप किसी के लिए बुरा फील करते हैं, ना ही आपको एंजाइटी होती है और ना ही आप बुरा आप डिप्रेस्ड होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपका जो दिल है ये चलना बंद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी फ्यूचर प्लान्स थे वो सब यहीं के यहीं ठप हो जाएंगे। तो मेरे साथ मिलकर यहाँ पर अपने दिल पे हाथ रखिए और कहिए थैंक यू मेरे दिल इतनी तेज धड़कने के लिए ताकि मेरा जीवन सफल बना रहे। हम छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी थैंक यू नहीं बोलते जब तक हमें उन चीजों का एहसास नहीं होता। हमारी ये छोटी सी उंगली है, भली कहने के लिए ये कुछ नहीं हो हमारे लिए, बट अगर इसमें कट लग जाता है, और कभी कभी जब ये उंगली जो है हमारे लिए सही, या मतलब कह सकते हैं कि जब हम कुछ कोई चीज पकड़ नहीं पाते या हम परेशान होते हैं उस उंगली की वजह से, उस दिन हमें पता चलता है ये उंगली का इंपॉर्टेंस क्या है। सो अ ग्रेटिट्यूड माइंड सेट विल गिव यू एवरीथिंग। एक इसका और एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे अगर हम ये कहें कि खाने की थाली, एक हमने बड़ी प्यारी सी एक बच्चे की खाने की थाली सजाई, बच्चे ने सबसे पहला कौर अपने पापा को खिलाया, ठीक है? उसके पापा ने बोला बेटा मेरा पेट भरा हुआ है तुम खा लो। यही चीज एग्जैक्टली ऊपर वाला या एक सुपर पावर आपके लिए करता है। जब आप एक छोटा सा टुकड़ा उसके लिए भी रखते हो अपनी प्लेट में, तो वो कहता है इतना भी नहीं, मैं तुझे इससे भी ज्यादा दूंगा। ग्रेटिट्यूड रखना जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। सो ग्रैटिट्यूड हेल्प्स पीपल टू फील मोर पॉजिटिव इमोशंस, रिलिश गुड एक्सपीरियंसेस एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ, डील विद एडवर्सिटी एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अपने इमोशंस को रिलिश करना चाहते हो, अपनी हेल्थ से अच्छे से डील करना चाहते हो और स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हो, तो आपको ये बात रियलाइज होनी चाहिए कि आपके पास जीवन में कितना कुछ है और आप इस चीज के लिए भी थैंकफुल नहीं है। कमिंग ऑन टू द वेरी नेक्स्ट पॉइंट दैट सेज सराउंड योर सेल्फ विद पीपल दैट मैच योर डिजायर्ड माइंड सेट। अपने आप को हमेशा उन्हीं लोगों के साथ या उन्हीं लोगों के आजू बाजू रखें जिनकी आंखें हमेशा चमक जाती हों आपको देखकर। इनसे इनके साथ रहने से अच्छी बात ये होती है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहते हो, ये लोग आपको हमेशा वेलकम करते हैं और आपको हमेशा अच्छा फील कराते हैं। जैसे मैं बच्चों को ये बात अक्सर सिखाती हूँ कि जीवन में आपके साथ रहने वाले 5 लोग ये बताते हैं कि ये आप कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं, आपका माइंडसेट कितना अच्छा है और आपका माइंडसेट कितना बेहतरीन है। आपके 5 दोस्त आपके ऊपर सब पूरा बहुत इन्फ्लुएंस, बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस देते हैं। कैसे देते हैं भाई? अगर ये 5 दोस्त शराबी होंगे तो कभी ना कभी आप भी शराब पियेंगे, 5 दोस्त सिगरेट पियेंगे आप भी सिगरेट पियेंगे। अगर 5 लोग जो हैं ये लोगों को ही डिस्कस करते हैं और गॉसिपर्स हैं, तो आप भी गॉसिपर बन जाएंगे। पर अगर ये 5 लोग आइडियाज डिस्कस करते हैं, तो आपकी भी आइडियोलॉजी लाइफ को देखने की या हर किसी भी चीज को, बिजनेस को देखने की बदल जाएगी। सो इट टेक्स थ्रू एक्शन एंड इट टेक्स थॉट एंड एक्शन टू फॉर्म द ग्रुप ऑफ पीपल इन द लाइफ दैट कैन रिलाई ऑन नो मैटर वॉट। तो भाई बहुत मुश्किल लगता है ये बात समझने में कि कभी कभी समय लगता है,
सब इतने अच्छे लोगों को अपने जीवन में रखना कि जिन पे आप 100% रिलाई कर सकते हैं. इट इज एन इजियर टू अडॉप्ट अ माइंडसेट व्हेन यू सी दैट इट इज ऑलरेडी वर्किंग फॉर अदर पीपल. तो अगर कोई चीज किसी और के लिए काम कर रही है या एक पॉजिटिव चीज किसी और के लिए काम कर रही है तो हो सकता है आपके लिए भी करे. सो लर्न हाउ यू थिंक एंड अडेप्ट देयर हैबिट्स टू मैच देयर माइंडसेट. आप देखिए कि डेवलप लोगों का माइंडसेट क्या होता है. क्या वो लोगों को डिस्कस करते हैं या आइडियाज को डिस्कस करते हैं? क्या वो बिजनेसेस को डिस्कस करते हैं क्या वो फिजूल की बातें डिस्कस करते हैं? ठीक है, तो हमेशा सराउंड योर सेल्फ विद पीपल दैट ऑलवेज हैव अ स्पार्क इन योर आईज व्हेन दे सी यू. नेक्स्ट इज डोंट बी अफ्रेड टू फेल. डरिए मत, घबराइए मत. मैं हमेशा ये बात आपको सिखाती रहूंगी कि फेलियर कुछ भी नहीं होता. फेलियर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ सीखने के अलग अलग तरीके होते हैं. आप जब जब जीवन में सीखना चाहेंगे तब तब आप फेल होंगे और एक नया एक्सपीरियंस लेंगे. सो अ पर्सन हु इज फेलिंग ऑलवेज रिमेंबर ही हैज गॉट अ बेटर क्वालिफिकेशन और अ बेटर लर्निंग देन यू. तो सिंपल सी बात है, इन द प्रोसेस ऑफ फेलियर कंसिडर योर मिस्टेक्स एज अ वे टू ग्रो. Sometimes taking risk may be scary, but remember that the more you fail, the more you learn and grow. ये बहुत ज़्यादा important है कि अगर आपको life में growth चाहिए, कोई चीज़ का experiment कर रहे हैं आप, तो आप fail तो होंगे, पर fail होने से डरिए मत. Life आसान नहीं है. Life is always full of struggles.